क्या बात है यार, गजब, बहुत मस्त हवा दे रहा है दोस्त। देख सकते हैं आप लोग, पूरा बिल्कुल भी 100% काम कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस यार, बहुत ही बेजवाब मैंने एक रूम हीटर लाया है, जो कि आपके घर वाले रूम हीटर से बिल्कुल भी अलग है। वो तो पहले नंबर 1000 वाट का करंट लेता है और बिजली बिल भी बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। तो वो सब उस रूम हीटर को भूल जाओ। मैं जो रूम हीटर आपको दे रहा हूँ बनाकर, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में, छोटा सा है और बहुत ही, बिल्कुल भी बिजली बिल भूल जाओ यार, 100-200 आएगा, उससे ज़्यादा मंथली नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यार वीडियो को पूरा वॉच करो, चलो मैं दिखलाता हूँ फटाफट से। ठीक है गाइस, यार देख सकते हैं ये जो कार्टून है, देख सकते हैं चारों ओर से एक छोटा सा कार्टून है। इस पे मेरे घर का कुछ इंपॉर्टेंट सामान आया था, तो मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हैं डीसी फैन, जो है कि आपको ये बिजली जो कि मार्केट से मिल जाएगा इजिली, कोई ज्यादा नहीं है इसका प्राइस, इसे यूज करना है। फिर एक जो है कि हमें 200 वाट का बल्ब यूज करना है, देख सकते हैं। बस इन्हीं दो ही तीनों चीजें से हम जो है कि रूम हीटर बनाने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी बिजली बिल नहीं लगने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले इसके साइज का हमें कट कर लेना है, तो कुछ इस साइड से हम ऐसे चीन लगा लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी और इस साइड भी और इस साइड भी। अब भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीन लगाकर इसे कट कर देना है। तो देख सकते हैं ये चीन लग गया, और इसी के हिसाब से हमें कट कर देना है, तो मैं कट कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं बिल्कुल भी मैंने ऐसे कट कर लिया है, और देख सकते हैं यहाँ पे ये लगा था कुछ इस तरीके से, और ये देख सकते हैं अभी फैन बिल्कुल भी इजीली लग जाएगा, देख सकते हैं। और इसे हमें कुछ बीच पॉइंट पर रखकर यहाँ पर एक यहाँ पर कस लेना है अच्छे से, कि फैन बिल्कुल भी हिले डुले ना। और ये देख सकते हैं कितना बेस्ट लगने वाला है, इस बहुत बेस्ट काम करने वाला है। कुछ इस तरीके से इसे घुमा लेते हैं, और देखिए एक मैंने यहाँ पर छोटा सा छेद किया है, जो कि इस वायर को हमें अंदर भी करना है, तो यहाँ से मैं अंदर कर लेता हूँ फटाफट से। तो गाइस जो है फटाफट से इसे कस भी लेते हैं, तो मैंने एक नीचे से फोम लगाया है जिसपे कि ये कसेगा, मैं आपको दिखलाता हूँ एक सेकंड। कुछ इस तरीके से पहले इसको टाइट कर लेना है हमें, ये देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल भी कस हो गया ये, और यहाँ पे भी कस कर लेना है, देख सकते हैं बिल्कुल भी दोनों साइड हो चुका है। अब हमें जो है कि इसके अंदर यहाँ पर बीच में हमें जो है कि जो मैंने दिखाया था बल्ब, उसी बल्ब को यहाँ पर लगाना है, मैं आपको दिखलाता हूँ कैसे। तो देख सकते हैं ये 200 वाट का बल्ब है, यहीं पे हमें बीच में लगाना है, कि जो जब भी बल्ब हीट होगा और फैन चलता रहेगा, तो हीटिंग जो भी इसके हवा होगा ये बाहर खींच कर फेंकेगा। ठीक है, तो इसी को हम बनाने जा रहे हैं, देख सकते हैं। इस होल्डर को जो है कि हमें बीच में यहाँ पर पॉइंट बीच पॉइंट में बैठाना है कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पर भी सेट कर लेते हैं, बतलाते हैं आपको। यार देख सकते हैं ये जो मैंने पहले फैन लगाया था, ये फैन जो है कि खराब हो चुका है, इस पर मैंने करंट दिया तो ये अचानक पूरा जल गया, तो उसके जगह मैंने एक दूसरा फैन लगाया है, देख सकते हैं यहाँ पर बाहर से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी फैन वैसे ही काम करेगा। अब जो है कि इस फैन को चलाने के लिए हमें 24 वोल्ट का एडेप्टर, ये देख सकते हैं 24 वोल्ट का एडेप्टर मैंने यूज किया है, इसी से ये जो है रनिंग होगा। अब हमें जो है होल्डर लगाना है, तो यहीं से जो है कि हम करंट दे रहे हैं इसी से 220 वोल्ट, ये रहा होल्डर में भी, इन दोनों को पहले यहाँ फटाफट से जोड़ लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दोनों कनेक्शन हो चुका है फटाफट से। अब जो है कि हमें इसे बीच में यहाँ पर बीच में बैठाना है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसको इसे भी हमें सेट करना है, और इसे तो हमें बीच में यहाँ पर लगाना है, देख सकते हैं यहाँ पर बीच में, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हमें बीच में लगाना है, और इसे रुक जाओ, तो फिर इसे जो है हमें यहाँ पर लॉक कर देना है, यहाँ पर जैसे किसी तरीके से इसे रोकना है। तो मैं तो देखिए यहाँ पर तार से भी किसी चीज़ से यूज कर सकते हैं, और ये जो एडेप्टर है 24 वोल्ट का, इसे हमें फैन में देना है। ठीक है, और यहाँ आ गया हमारा एसी करंट के लिए, मैंने इस साइड से देखिए निकाल दिया है, इस साइड से जो है एसी करंट के लिए दिया है, और फटाफट से पहले हम होल्डर को लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो वजह देख सकते हैं मैंने उसको वायर से बांध लिया है, और ये देखिए मैंने बल्ब लिया है, और बल्ब को कुछ इस तरीके से मैं अंदर लगा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए लग गया बिल्कुल भी पूरा फैन के पास में, हीट होते ही फैन पूरा हीटिंग देने लगेगा। और ये जो हमारा ये जो और इस एडेप्टर को 24 वोल्ट एडेप्टर को यहाँ पर जो है कि मैं कस लेता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस यार देख सकते हैं बिल्कुल भी एक कनेक्शन हो चुका है, और कुछ इस तरीके से बनने के बाद दिख रहा है, और चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस यार देख सकते हैं पूरा यहाँ पर हो चुका है, और बोर्ड भी पास में, ये देखिए मैं इसको अंदर जो है कि बोर्ड में लगा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर लगाते ही लाइट ग्लो हो गई और फैन भी चलने लगा, देख सकते हैं, और बिल्कुल भी हीटिंग एयर दे रही है, क्या बात है यार गजब, बहुत मस्त हवा दे रहा है दोस्त। देख सकते हैं आप लोग, पूरा बिल्कुल भी 100% काम कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देख सकते हैं मैंने इसे बंद भी कर दिया, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसे कुछ इस तरीके से बंद कर देना है, और यहाँ पर पीछे कुछ छेद कर देना है, कि जिससे एयर ये फैन जो है कि लेता रहे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।